वैज्ञानिकों ने खोजा हजारों साल पुराना बिस्तर। जाने क्यों की गई ऐसी खोज। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सबसे पुराने बिस्तर की खोज की है और ये बताया जा रहा है कि ये लगभग 77,000 साल पुराना है और इसे दक्षिण अफ्रीका की गुफा में खोजा गया है। इसके साथ ही इन गुफाओं में कई तरह के औषधीय पौधे और अन्य कई कलाकृतियां भी पाई गई है। पुरातत्वविदों की इस टीम का कहना है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक बलुआ पत्थर की चट्टान से बनी गुफा से बुद्ध में एक प्राचीन भेड़ के ढेर की खोज की। ये लगभग 10 फीट 3 मीटर मोटे टुकड़ों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज के दौरान जो बिस्तर खोजा गया है वो सबसे पुराना हो सकता है। इसके बहुत पुराने होने के पीछे वहां पाई जाने वाली चट्टानों से ही पता चला है जो कि इस गुफा के अंदर और आसपास पाई गई है। इसके अलावा गुफा में कई पौधों के अवशेष क्राप्टोकार्य की प्रजातियां हैं जो पौधे आज भी कई तरह की परंपरागत दवाएं बनाने के काम आते हैं। बताया जा रहा है कि इस बिस्तर को बनाने लिए पौधों के भी कई पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिलबुडू के आसपास रहने वाले शुरुआती लोगों को आसपास के पौधों का गहरा ज्ञान था और इनके औषधीय उपयोगों के बारे में भी पता था। इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए लोग पहले भी कितना जागरूक थे इस बारे में भी पता चलता है कि कीटनाशक पौधों के उपयोग 77,000 साल पहले भी किया जाता था और इनके व्यवहार के बारे में लोगों को समझ थी। बिस्तरों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि यहाँ रहने वाले लोग अपने मैट का बार बार या समय समय पर नवीनीकरण भी करते रहते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के इसके पीछे कई तरह के तर्क हैं कि पहले के लोग बिस्तर का उपयोग सिर्फ सोने के लिए ही नहीं करते थे, इसके साथ ही वे रहने और काम करने के लिए भी इसको एक आरामदायक सतह के रूप में काम लेते थे।